अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपियाँ लाती रहूँ। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी का नाम है कुंडी कुरकुरी स्पेशल कचौरी। ये बहुत मज़े की बनती है कचौरी। ये बड़ी साइज़ में बनती है, एक बंदा आराम से इसको खा सकता है। अब मैं आती हूँ सामान पे, देख लें इसके लिए जो जो हमें सामान चाहिए। पापड़ियाँ चाहिए हमें, हरी मिर्चों की चटनी मैं आपको सिखा चुकी हूँ वो चाहिए हमें, क्रीम चाहिए हमें 2 चमचे, सेव चाहिए हमें, इमली की चटनी भी सिखा चुकी हूँ वो इमली की चटनी है ये, 1 प्याली दही चाहिए हमें, दही का मैं सॉस बनाऊँगी, 1 बड़ा आलू चाहिए, चिकन के रेशे चाहिए, टमाटर चाहिए, 1/2 टमाटर ले लें आप, हरी प्याज ले लें आप, 1/2 प्याज ले लें आप। चलें अब हम चलते हैं डो की तरफ। जी तो अब हम आ गए डो की तरफ। डो के लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा, 1/2 कप सूजी, 1 चमचा घी। इसको डाल के ऐसे निकाल लें आप और बेकिंग सोडा, 1 चुटकी बेकिंग सोडा ले लें आप, नमक हसबे जायका। अब हमें इसे गूंदना है अच्छे से। तो इसमें डालना है हसबे जरूरत पानी। डो जो है वो थोड़ी सख्त गूनी जाएगी क्योंकि ये क्रिस्पी बनेगी, कचौरी जो है बनेगी क्रिस्पी हमारी। इसमें दाना आएगा क्योंकि इसमें मैंने सूजी डाली है। तो ये देखें, ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया है और ये कितना सख्त है हमारा पेड़ा। इसी तरीके से आपको भी गूंदना है और अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट्स रेस्ट पे, लेकिन हम इसको कवर नहीं करेंगे। इसी तरीके से हम इसको रख देंगे साइड पे हल्की प्लेट रख के। जी तो ये हमारे 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं, अब हम इसको निकालेंगे। तेल ले लिया मैंने प्याली में और घी तेल जो है वो मैं रख चुकी हूँ चूल्हे पे। ये देखें, ज्यादा बड़ी नहीं, नॉर्मल रोटी बनानी है हमें इसकी, पेड़ा की, और थोड़ी मोटी बनानी है ताकि वो कुरकुरी हो सके। जी तो देख लें, मैंने बेल के रख ली है। ये सिर्फ इतनी ही बेलनी है हमें, भले आप पेड़ा छोटा कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन आपको बेलनी इतनी है। और ये पेड़ा छोटा नहीं होगा, ये मोटी बनेगी, ये देखें, क्योंकि ये कुरकुरी बनेगी जो है। ये कभी भी इस तरह नहीं डाली जाती है, ये हमेशा इस तरह डाली जाती है, ये इस तरह अच्छी बनती है। चमचा नहीं चलाना है अभी हमें इसके ऊपर, मैं आपको बताती हूँ चमचा किस तरह चलाना है। ये अभी खुद ऊपर आएगी, ये देखें ये ऊपर आने लगी। अब हमें तेल उठाना है और इस तरह डालना शुरू करना है। ये देखें, ये देखें आप, ये कितनी फूल रही है। इसको इसके ऊपर घी डालते हैं, इसको प्रेस नहीं करना हमें बिल्कुल भी, प्रेस करने से दब जाती है पूरी और क्रंची नहीं बनती बिल्कुल भी। तो हमें इसको इस तरह करना है और हमें इसको गोल्डन ब्राउन कलर देना है। थोड़ी देर में होगा लेकिन हो जाएगा। बस ये हमने इस तरह ऊपर डाल चुके हैं। अब हम कचौरी जो ये तैयार हो गई है बिल्कुल,
और इसका कलर ये होना चाहिए और ये बहुत क्रिस्पी हुई है जी। तो अब मैं इसकी कर रही हूँ सर्विंग। ये देखें इस तरह मुझे रखनी है इसमें, ठीक है। हम मैं इसको बीच में से तोड़ के सॉस बनना है ना हमारा, वो मैं बना रही हूँ। उसमें हमें क्या डालना है, काले नमक, बस ये मैंने डाला काला नमक और ये अच्छे से मैंने मिला लिया इसको। देखना काले नमक का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अलग आता है नॉर्मल नमक से और ये टेस्ट में बहुत अच्छा सॉस है। चलें तो अब हम करेंगे तैयार। ये सबसे पहले जो हमने ली थी पापड़ी, ये इस तरह तोड़नी है, हमें ये डालनी है। देखिए ये जो है ये हम डालेंगे सबसे पहले पापड़ी, फिर हम ये उठा रहे हैं चटनी, जो हमने इमली की चटनी है वो डालेंगे हम सब। ये देखिए इस तरह से हमें डालनी है इमली की चटनी, फिर हमने डालनी है हरी चटनी, थीम। थीम का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसमें। अब हम डालेंगे प्याज, टमाटर, आलू, आलू तो कचौड़ी की जान है, आलू, चिकन क्रश की भी क्योंकि ये स्पेशल कचौड़ी है, फिर चटनी, ग्रीन चटनी, इमली की चटनी डाल चुकी, ग्रीन चटनी, थीम। अब हम डालेंगे चाट मसाला, बहुत यमी बनने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो हमने दही का सॉस बनाया है ये बहुत बेसिक चीज़ है इसकी, ये देखें आप इस तरह से। अब फिर हम डालेंगे प्याज, सारी प्याज डालनी है अब हमने, टमाटर, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हरी प्याज। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आने लगा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्लीज़, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ये देखें ये चिकन डाल दी मैंने, अगेन दही इस तरह से, थोड़ा सा नमक, नॉर्मल नमक, अगेन चाट मसाला। ये देखें चटनी, ये जो खट्टी मीठी की इमली की चटनी हमारी है, ये क्रीम, हरी मिर्च की चटनी, अगेन पापड़ी, सो यमी सेव। ये देखिए आप क्रीम। अब जो हम लास्ट में डालेंगे, ये हमने जो बची हुई हमारी दही है, दही का सॉस, ये हमने डाला इस तरह से। और अब हमने जो हमने प्याज रखी हुई है थोड़ी सी, ये डाली, ये देखें 1 स्पून हमारी इमली की चटनी, देन जीरा, सबसे लास्ट में हमने इसमें जीरा डालना है। ये देखें जी, तो अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ इसके ऊपर, ये थोड़े से टमाटर डाल रही हूँ कि रेड कलर बिल्कुल छुप गया था। चलें तो ये हमारी कचौरी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी, प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। आप ये बना सकते हैं, अफ्तारी में भी बना सकते हैं आप, बहुत हेल्दी डिश है, एक बंदा आराम से खा सकता है, बल्कि अगर लड़कियां दुबली पतली हैं तो वो 2-3 मिलके भी खा सकती हैं इसको। इसके अंदर इतना मटेरियल है और आप देख लें कितनी कलरफुल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बहुत कलरफुल बनने वाली है, ये बहुत कलरफुल रेसिपी है। प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।